सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेलकम टू नवनीत किचन व्लॉग। तो अज जिहड़ी रैसपी लैके आए हैं जी, वह हैगी जी पनीर मखनी। तो पनीर मखनी जिहड़ी आपां बहुत ईजी तरीके नाल बनावांगे। ये मैं पहलों ही तुहानूं पहलों मैं वीडियो नहीं बनाई कटिंग करदे दी। तो ये मैं 6-7 जिहड़े वड्डे प्याज लए आ, ते नाल ही खूब सारे टमाटर 6-7 ही वड्डे टमाटर लए आ। इहदे च पाया पानी, पाया 1.5 ग्लास पानी पाया मैं। तो यह हैगा जी दालचीनी का एक टुकड़ा, ये हैगी मोटी इलायची, तो यह है ने लौंग, विचे चल गए लौंग, 2 पाए लौंग। तो बस इन्हों असी घट्टो घट अद्धा घंटा जड़ा ये नहीं ये पाऊंगी हूँ, सॉरी थोड़ा जहा पाया आ नमक, तो नाल ही आप देंगे थोड़ा जहा बटर, असी पा देंगे नमक बटर। तो इनू जरा ढक के असी घट्टो घट 20-25 मिनट पकावे, भी जोड़े चंकी तरह जोड़े टमाटर तो प्याज जोड़े आ बॉयल हो जाए। तो बड़ा ही ईजी तरीका आ पनीर मखनी बनाने का। लो जी उपरों मैं कवर करता, इन ढक दिता है, तो नाल नाल असी जोड़ा आ पनीर जोड़ा आप कट लाँगे घ्यो के। ये ले लिया जी पनीर, तो हूँ पनीर नूं असी कटदे आ। ये मेरे को 1/2 किलो पनीर आ, 1/2 किलो दे विच मैं जोड़े आ मेरे लगता 1/2 किलो ही प्याज, 1/2 किलो ही टमाटर पै गए। सो जिन्ना ज़्यादा ग्रेवी होगी उन्ना ही वधिया बनता है। लो जी उबलना शुरू हो गया, हूँ आप ये थोड़ा जहा मेरे पावे लसन, तो आ एक गंढी जड़ी आ अदरक की, ये भी इस तरह विच ही पा देनी आ। तो नाल असी पावांगे, ये तुसी कट्ठा भी सारा पा देंगे पर पा सकते जे, पर मैं थोड़ा जहा पहले बॉयल कर लिया उन्हों। तो नाल पावांगे 1 मुट्ठी काजू, दो हरिया इलाचियां, तो नाल पा देंगे ये देगी मिर्च, मैं थोड़ी पाई है वैसे तो ही अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ी मिर्च तो नहीं होंगी पर थोड़ी जी फिर भी होंगी है। तो नाल ही असी ये पा देंगे 1 हरी मिर्च कट के, तुसी 2 भी पा सकते जे, तो पर मैं पाऊंगी 1 क्योंकि बहुत तिखा हो जाना फिर। लो जी मैं 1 मिर्च पा दें लगी हरी, इन सारे एक बार मिक्स कर देंगे। प्याज तुसी घट भी, टमाटर ज़्यादा होने चाहिए, प्याज बेशक घट हो जाए 2 पा लो 4 पा लो, पर जो टमाटर आ खुले होने चाहिए। तो बटर भी पै गया, सारा कुछ पै गया, तो हम आप इनू दें टक। इधर पनीर के जड़े मैं पनीर मैं जड़े आ पीसिस कट रही हूँ। लो जी पनीर नू लिया असी कट, ये तुसी अपने हिसाब नाल वड्डे छोटे क्यूब जिवें भी कटना कट सकते जे। लो जी टमाटर जिहड़े सॉफ्ट हो गए ने, बस 2-3 मिनट, काजू भी सॉफ्ट हो गया बिल्कुल, ते असी बस इनू ना 2 मिनट होर पका लांगे। ये जो असी पाई आ काली इलाची, मोटी इलाची जिन्होंने आप बोल दें, मोटी इलाची कट देंगे। जी असी पाई आ सिनेमन जिन्होंने आप बोलते पंजाबी, दालचीनी वो भी कट देंगे, जोड़े लौंग पाए वह भी कट देंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ा जो असी, क्योंकि फ्लेवर तो ये आ गया दा। जे आप रखा तो जोड़ा ग्रेवी का कलर आ वह थोड़ा जहा प्रॉपर नहीं होना, ब्लैक जहा हो जाना। सो दालचीनी, मोटी इलाची, तो लौंग जोड़े असी बाहर कट देने, तो बाकी सारे आप जी पेस्ट बना लेंगे मिक्सी से, इनू ठंडा होने इनू चंगी तरह जोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके तुसी उन्हों पौन भी सकते जे, तो बड़ा फाइन बन गई ताड़ी ग्रेवी उहदे नाल मिक्सी दे विच, ते फिर तो ठीक आ। जे थोड़े बहुते रह जाते हैं दाने जे, जां जिस तरह वह टमाटर के होंगे जां प्याज के, फिर तुसी उन्हों छानी दे नाल पुण के जोड़ा आ, जो पुणोगे तो बिल्कुल एंड सिल्की
बहुत ही वधिया ग्रेवी बन जाती है। सो ये ग्रेवी के नाल तुम कई चीज़ा बना सकते जे मशरूम मटर बना सकते जे पनीर होर कई तरीके का बना सकते जे काफ़ी सब्जियां जड़ियाँ यही ग्रेवी तो बन जाए। एक ग्रेवी तैयार कर लो वो तो कि सारिया सब्जियां तुम मतलब बना सकते जे। जी हूँ ये असी जोड़ा मसाले खड़े मसाले जड़े इस तेज पत्ता भी पा सकते पर वो मेरे को है नहीं मैं पाया नहीं बहुत मसाले पाने की लड़ भी नहीं हैगी। हूँ आप जोड़े खड़े मसाले वो कट दें बहर। लो जी ये मसाले मैं कट ले बहर तो हूँ बाकी जोड़ा आप फाइन वह पेस्ट बना लें ठंडा करके। लो जी ये साड़ी ग्रेवी होगी तैयार मखनी पनीर रेडी हो चलिया। बस इधर ले लिया मैं एक पैन तो ये पावे असी थोड़ा गर्म हो जाए ये पावे बटर मक्खन बटर नहीं मक्खन क्योंकि असी बना रहे हैं मखनी पनीर बटर पनीर नहीं बना रहे असी बना रहे हैं मखनी पनीर तो मखनी पावे हूँ। ये मखनी साड़ी घर की है जी अपनी बनाई हुई है गाय के दुध की ताही यदा कलर जैलो आ। सो ये गर्म हो गया तो हूँ आप पाने मखनी। लो जी ये पा लिया असी बटर ये पैन च दो तीन चम्मच पहले असी थोड़ा ही पाया ही तो जो मक्खन बटर नहीं बोलना मक्खन मक्खन पा लिया मखनी पा ली आते हूँ ये असी जोड़ा आ जो असी मखनी पनीर बना रहे हैं तो ये फिर मखनी च ही सारा कुछ होगा अपना होर कोई तेल नहीं वरतना। लो जी मखनी होगी गर्म तो हूँ ये मैं थोड़ा जहा अदरक तो नाल एक हरी मिर्च कट के पाती है इन थोड़ा जि पकाना हल्का जहा बहुत ज़्यादा नहीं जी नाल ही अपना ये हूँ जड़े पनीर कट के रखा से वह पा दें इन असी ब्राउन नहीं करना बस थोड़ा जहा यही है कि बटर ये जड़ा आ थोड़ा जहा मिक्स हो जाए वो फ्लेवर आ जाए चंगी तरह पनीर के हूँ आप फिर थोड़ी जी पावे देगी मिर्च जिन्हों आप कलर वाली मिर्च भी बोल दें तो नाल ही असी जी ग्रेवी बना के रखी सी पा देंगे मैं छानी पुनी नहीं हाँ क्योंकि उस टाइम यह बहुत वधिया बन गई सी। लो जी इन असं चंगी तरह कर देंगे मिक्सर ये पावे थोड़ा जहा नमक क्योंकि नमक पहले पाया सी ग्रेवी च तो थोड़ा घटा हूँ थोड़ा जहा नमक होर ऐड कर देंगे तो बस कुछ भी पाने की लोड़ नहीं है हूँ उपर थोड़ी जी क्रीम पा के तो इन सर्व कर दो असी जड़ा है पाँच मिनट इनू असी पकावे हल्के हाथों ना हिलायो कि पनीर जड़ा टुट ना जाए ये पावे असी थोड़ी जी कसूरी मेथी एदा भी फ्लेवर बहुत वधिया आता तो तुसी ये क्रीम पा लो मलाई पा लो कुछ भी पा सकते जे बाकी ये जे तुसी इनू थोड़ा जहा जे टमाटर खट्टे आ तो फिर थोड़ी जी चीनी पाउन की लोड़ है जां शायद पा लो नहीं तो इस तरह क्योंकि टमाटर हुण इन्ने खट्टे नहीं सी ठीक है वधिया मिठी मिठी बनी आ सो लोड़ नहीं है पाउन की चीनी जे तुसी पाउनी चाहते तो तुसी पा भी सकते जे। लो जी असी हुण कड़ली बॉल च उपर दी पावांगे थोड़ा जहा कटिया होया धनिया नाल तुसी पा सकते जे इहदे ते क्रीम बट मैं नहीं पा रही क्योंकि मक्खन बहुत ज़्यादा हो गया सो रेसिपी चंगी लगी तो इनू लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो जी। मिलते हैं जी नैक्सट डे किसी नैक्सट वीडियो नाल थैंक यू तुहाडा सारयां दा वीडियोज़ देखने लई प्लीज़ साडे चैनल में सबसक्राइब जरूर करो भी जिहड़ा भी आउंदा आ चैनल सबसक्राइब करके जरूर जाए जी। सत श्री अकाल जी सारयां नूं।